Java Shell, a programmer's bird. हेलो दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हमें अपने रूट्स बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए। मैं जानती हूँ हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंटेलिजे आइडिया की टूल यूज़ किया है, उसे इंस्टॉल किया है, पर हम फिर भी आज अभी कमांड प्रॉम्प्ट में सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि पहले ये लोग कैसे यूज़ किया करते थे कमांड प्रॉम्प्ट अपना जावा प्रोग्राम रन करने के लिए। इससे हमें प्रोग्राम की गहराई और भी अच्छे से दिखाई देगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम नोटपैड में जाएंगे। एक्सेसरीज में जाके आप नोटपैड ऑन कर सकते हैं और फिर ये प्रोग्राम आप लिखेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं चाहूँगी कि आप इसे एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दें, पर हम कुछ कुछ बातें इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम इसमें क्लास के बारे में मेंशन करेंगे जिसका नाम हम कैपिटल्स में लिखेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि जावा में सब कुछ केस सेंसिटिव होता है और पहला वर्ड कैपिटल में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ क्लास ए लिखा है, आप क्लास फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, उसमें फर्स्ट का एफ बड़ा लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की, इसका मतलब है कि हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। और थर्ड में हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है जिससे आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड शो होगा। अब हमें सेव करना है इसे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से। आप इसको कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए इसका फर्स्ट लेटर बिग होना चाहिए। अब हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमें अपने सोर्स कोड के बारे में आउटपुट निकालना है, तो इसके लिए हमें अपनी डायरेक्टरी का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी फाइल कहाँ सेव की है। जैसे मैंने इस केस में इसे यहाँ सेव की है जो आप देख ही रहे हैं। इसे कंपाइल करने के लिए हमें ये चीज़ लगानी पड़ेगी, जवैक फाइल नेम डॉट जावा। अब हमने फाइल नेम यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है, तो मैं इसमें जवैक फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा लिखूंगी। अब ये कंपाइल हो चुका है, आप जाके देखिए अपने फोल्डर में, आपको ए डॉट क्लास की फाइल क्रिएटेड मिलेगी वहां पर। उसके बाद आपको जावा ए लिखना है जो कि क्लास नेम है हमारा, इससे हमारा आउटपुट शो हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। मैं आपको बाहर भी लेकर जाना चाहूंगी और दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे किया है। ये देखिए, नोटपैड में मैंने अपनी क्लास बना दी थी, क्लास ए। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने मेन फंक्शन बनाया, उसमें स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की कमांड से हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि मैंने क्या किया है। पहले तो मैं उस सोर्स में गई हूँ, उस प्रोग्राम के फोल्डर में गई हूँ सीडी कमांड से, और फिर मैंने जवैक फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा से इसको कंपाइल किया है, फिर जावा ए से इसको रन किया है जिससे मुझे हेलो वर्ल्ड शो हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, आगे की जानकारी जानने के लिए मेरे आगे के ट्यूटोरियल ज़रूर देखिए। बाय बाय। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.